वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे गांधी भवन के उद्घाटन का मौका दिया। महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया वह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है। हम उनकी यादगार में कोई इमारत खड़ी करके या संस्था बनाकर किसी तरह से अपने काम में बल हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके नाम में स्मारक के रूप में जहां तहां कुछ बना रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहां तहां गांधी जी के स्मारक के रूप में इमारतें बनाई जा रही हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हैदराबाद के निवासियों को भी ऐसा ख्याल हुआ कि यहां इस प्रकार का स्मारक बनाया जाए। यह सिर्फ एक इमारत ही न रहे बल्कि जैसे सरदार पटेल ने कहा था, यह जानदार स्मारक हो। इसका अर्थ यह है कि वह केवल ईंट पत्थर का न हो बल्कि महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया और बताया था तथा उनके जो विचार थे उनका कोई जीता जागता रूप यहाँ देखने में आए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार कहा था कि किसी आदमी के लिए उसका शरीर कोई कीमत नहीं रखता, वह तो मिट्टी का पुतला है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, मगर उसके पास कोई चीज़ रह जाती है तो एक तरफ उसकी आत्मा और दूसरी तरफ उसके किए हुए अच्छे या बुरे काम। इसलिए उन अच्छे कामों का नमूना हमारे सामने होना चाहिए। और आपने यह बहुत अच्छा सोचा कि रचनात्मक काम के बारे में गांधी जी के जो विचार थे, जिन जिन चीज़ों में उनको खास दिलचस्पी थी उन चीज़ों को लेकर आप इस स्मारक में काम करें और जो जो संस्थाएं इस तरह के काम में लगी हों यहां आप उनको भी जगह दें। इस भवन में रचनात्मक काम करने वालों के अलग अलग दफ्तरों के लिए अलग अलग स्थान रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और गांधी जी का जो चित्र यहाँ बना रखा है उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। गांधी जी ने हमें जो कुछ सिखाया उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कई बार कहा था कि यदि चरखा चलाने वाले को उस पर विश्वास न हो और उसको वह ठीक से समझ नहीं पाता और केवल उनके कहने से या देखा देखी चरखा चलाता या खद्दर पहनता है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अर्थ तो केवल इतना ही हो सकता है कि जब तक लोग उनको मानते रहेंगे इस काम को करते रहेंगे और जिस दिन वह आँखों से ओझल होंगे उस दिन यह काम बंद हो जाएगा। इसलिए वह कहते थे कि ठीक समझ के करना चाहते हो तो करो और नहीं तो चरखे को जला दो, उसकी कोई
खास जरूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपनी आँखों के सामने समाज का एक ढांचा रखा था और वे चाहते थे कि समाज की पुनर्रचना उस नए ढांचे के अनुसार की जाए। अभी हम उस रास्ते पर नहीं चल सके हैं। मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता हूँ कि समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आँखों के सामने रखा था, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हमारे सामने एक दूसरा ढांचा है और हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसमें से कौन बेहतर है और कौन बुरा। मैं तो इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, वह रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह पर ले जाए जहाँ गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। हम अगर उसके ठीक विपरीत रास्ते पर नहीं तो कम से कम कुछ अगल बगल या कुछ दूसरी तरफ तो ज़रूर जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलें और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। आज देश में जो रचनात्मक काम हो रहा है उसकी मैं बड़ी कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकेंगे। और अगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर इधर लौटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ आगे बढ़ाते जाएं। बहुत ज़माना हुआ जब एक अंग्रेज यहाँ आया था। वह बड़ा विद्वान था। उनकी किताबें अब भी चल रही हैं। गांधी जी उस समय खादी और ग्रामोद्योग की बात चला रहे थे। आप जानते हैं कि पश्चिम देशों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो बिना यंत्र के हो। वहाँ सब काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि मेज पर खाना परोसने का काम भी खुद ब खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ के आदमी ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के लोग घर में बैठे बैठे रुई का सूत बना लेते हैं, उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घर में कपड़ा सी लेते हैं। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इसी प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट पीस कर चावल बना लेते हैं। रोटी और तरह तरह की चीज़ें घर में ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। हमारी इन सब चीज़ों को देखकर उसने कहा कि हम इन चीज़ों को अपने यहाँ कायम रखें। अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम नमूने के तौर पर तो कायम रखें ही। एक दिन आएगा जब दुनिया सब मशीनों को छोड़ फिर इसी चक्की का प्रयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत कातेगी। यह बात मैंने 25-30 बरस पहले की कही है। पिछले
2,500 वर्षों में साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10-15 वर्षों में तो बहुत ही हुई है। स्टॉप।